तो सलाम, प्रणाम और आदाब। तो दोस्तों, मैं आपको एक नई अपडेट ये बताना चाहता हूँ, और वीडियो पे आप बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं आज क्या अपडेट लेकर आया हूँ और क्या आप लोग को बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी गाड़ी थोड़ा दिखाता हूँ, उसके बाद आपको अपडेट बताता हूँ कि कौन सी क्या अपडेट है। तो आइए मैं अपनी गाड़ी का थोड़ा दिखाता हूँ। यह है दोस्त मेरी गाड़ी, और देखिए क्या सिस्टम है। ये नया सिस्टम और नई गाड़ी है, नया डिजाइन का है, आप लोग देखो। तो ये वगैरह आप तो जान ही रहे हैं, सब जो गाड़ी चलाता है वो सब जाता है पी से पार्किंग, आर से रिसीविंग यानी बैक, एन से न्यूट्रल और डी से सिर्फ आगे। तो सिर्फ आपको आगे का गियर लगाना है, बस एक बार आप उसको दबा के आगे करके छोड़ देना है और यहाँ चलता रहेगा। और इसमें दो चीज़ है, क्लच और ब्रेक इसी में है, और ये स्लेटर, बस। तो ये गाड़ी का लोकेशन था दोस्त, और मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या अपडेट लेकर आज मैं आया हूँ। तो एक मिनट का वीडियो हिल लेगा। तो दोस्त, अपडेट यह है कि जैसे पहले मैं सऊदी में आदमी ड्राइवर में आता था तो उसका मुखालफा यानी फाइन करीब बहुत कम था, सिग्नल का फाइन, कैमरे का फाइन, स्पीड फाइन, बेल्ट का फाइन, इशारा यानी इशारा इशारा समझ रहे ना, जैसे बत्ती का फाइन, लाइट मुड़ना है तो उसका इशारा नहीं दिए तो फाइन, लेफ्ट मुड़ना है अगर उसका इशारा नहीं दिए तो फाइन, और अगर चलते चलते आपने गाड़ी बीच में किसी को, जैसे आप चल रहे हो बीच में, आप हो कोई आगे कोई पीछे, आपने बीच में ब्रेक ले लिया तो उसका अगर उसने गाड़ी ठोक दिया आप में, आपके गाड़ी में ठोक दिया तो उसका भी फाइन आप ही को भरना पड़ेगा। तो आज मैं फाइन पर ही बात करूंगा। पहले फाइन बहुत कम होते थे दोस्त, जैसे बेल्ट का फाइन पहले 50 से 100 रियाल के आसपास था, लेकिन अभी 200 रियाल, 2021 में 200 रियाल बेल्ट का, जो पहले 100 रियाल था। पार्किंग फाइन पहले जो था वही है, अभी 100 रियाल था और 100 रियाल है, यानी इंडिया का 2000 रुपया। कैमरा फाइन 300 हो चुका है, जो कि पहले 150 था, कैमरा स्पीड फाइन, उसको पहले 150 रियाल लग रहा था 2020 में, लेकिन 2021 में आपको 300 रियाल फाइन कैमरे का हो चुका है स्पीड फाइन। इशारा यानी जो आपको बताया, लेफ्ट राइट मुड़ने से पहले आपको इशारा बताना है या देना है कि आप मुझे किधर मुड़ना है, उसका फाइन आपको, उसका फाइन भरना पड़ेगा दोस्त अभी 1000 रियाल यानी इंडिया का 20000। इशारा अगर आपने मुड़ते समय अगर आपको पुलिस वाले ने या सुरता ने देख लिया तभी लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। और चौथा नंबर आपको सिग्नल, जो सिग्नल का फाइन पहले था दो, जो सिग्नल तोड़ देते थे, जो पीली बत्ती हो चाहे लाल बत्ती हो उस पर आप क्रॉस कर जाते थे, या आपका गाड़ी का टायर जेबरा पर पहुंच जाता था तो आता था 800-900 रियाल का फाइन आ जाता था, लेकिन अभी दोस्त 2021 में 3000 रियाल का फाइन यानी इंडिया का 55 से 56 हज़ार रुपया फाइन हो चुका है। तो ड्राइवर लोग जो आते हैं आजकल, जो नए ड्राइवर आना चाहते हैं, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं, और वो इस बात को समझें कि पहले और अब में बहुत फ़र्क हो चुका है दोस्त। एक और फाइन है जिसको मैं अभी बताना चाहता हूं, लाइट, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं लाइट जलाना भूल गए, आगे जैसे शाम हो जाती है 5-6 बज जाता है, कहीं पर मान लो कुछ लाने गए दुकान उकान पर, आपने लाइट नहीं बढ़ाया, सोचा पास में है चलो तुरंत लेके आ जाएंगे, या ध्यान नहीं रहा, लाइट आप नहीं जलाएं, इंडिकेटर नहीं जलाएं या लाइट नहीं जलाएं, तो आपको 1000 का फिर फाइन, इन 1000 मुखालफा यानी 20000 का उसका भी फाइन। इंडिकेटर, इंडिकेटर का तो मैंने आपको बताया, अगर आप गाड़ी रोड पर कहीं साइड में रोक दिए तो पीछे वाला इंडिकेटर आपको जला कर रखना है, नहीं तो अगर पुलिस ने देख लिया या सुरता ने देख लिया तो उसका भी 1000 आपको मुखालफा आ सकता है, यानी कि फाइन ही फाइन है। तो आप लोग आए सोच समझ कर आए और अच्छा से दिल दिमाग लगाएं, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और गाड़ी ठुक जाए तो वो तो बहुत बड़ी फाइन है भाई, गलती आपकी होगी तो
तो फाइन ही आपको भरना पड़ेगा। जिसका गाड़ी आपको, जैसे किसी किसी का कपिल अच्छा है, तो यानी आपका नॉर्मल चोट चाट है या उसका गाड़ी में नॉर्मल एक्सीडेंट है, तो आपका कपिल अगर अच्छा है तो आपका भी वो, उसका जिसका गाड़ी लड़ गया दूसरे का, उसका भी वो बनवा देगा। 1500 रियाल का अगर खर्चा होगा, और ज़्यादा होगा तो फिर आपको भरना पड़ेगा, और आपकी गाड़ी का भी आपको, आपका कपिल आपके सैलरी से या उसका इंश्योरेंस या तामीन, जो भी वो अरबी में बोलते हैं तामीन या इंश्योरेंस होगा, तो वो अपने इंश्योरेंस से अपनी गाड़ी बनवा लेगा। लेकिन जिसका लगेगा उसको आपको, आपका कपिल भरेगा, कपिल होता है, और कपिल आपकी सैलरी से काट सकता है। तो ज़्यादा हो तो 3 से 4 हज़ार रियाल के ऊपर होगा तो आपको भरना पड़ेगा लाजिम, और गलती आपकी होगी तो दोनों को भरना पड़ेगा। अगर गलती बराबर होगी, उसका भी गलती होगा और आपका भी गलती होगा, तो दोनों को सुरता आएगा, अपना जो भी करना है कार्यक्रम करेगा, उसके बाद वो लिख के देगा, आधा गलती आपकी आधा गलती आपकी है, तो आप अपनी अपनी गाड़ी जाकर बनवा लीजिए। और बड़ा एक्सीडेंट हो जाए तो उसका तो अल्लाह मालिक है। बस, तो ये छोटी सी अपडेट थी, आप लोग समझ बूझ कर आइए, क्योंकि पहले जैसा अब सऊदी में कुछ बात नहीं है। अगर आपके पास पूंजी पैसा है तो इंडिया में ही आप कोई कारोबार करिए। मैं भी सोचता हूँ कुछ करूँ, अभी तो पैसा कुछ बता रहा हूँ, बना रहा हूँ, बन जाने के बाद फिर इंशाल्लाह इंडिया में कुछ करेंगे, क्योंकि वो बात नहीं है जो पहले थी। तो ये वीडियो जो देख रहे हैं नया ड्राइवर, तो सोच समझ के आएँ, और यहाँ का फाइन बहुत तगड़ा तगड़ा हो चुका है, ड्राइवरी में बहुत मुश्किल है। मैं तो ये कहना चाहूँगा दोस्त, अगर आप लोग आना चाहते हैं तो कंपनी में आए, किसी और जॉब में आए, ड्राइवरी में बिल्कुल मत आए, क्योंकि मैं 1 साल हो गया आए हुए और मुझे 1 रुपया अभी तक नहीं बचा। एक बार मेरे से एक्सीडेंट हो चुकी है जो कि मैं अभी तक भर रहा हूँ। एक बार मेरे और एक पाकिस्तानी के बीच टकराव हो गया, जैसे थोड़ी सी मिस्टेक थी मेरी, मेरी गलती थी, तो मैंने उसका भी मुखालफा भरा, और अपना कपिल, मेरा कपिल जो था वो मेरा भी मुखालफा मेरे सैलरी से काटा, और मुझे काम से भी मतलब निकाल दिया। तो मैं फिर दूसरा जगह, कफाला बोलते हैं, जो दूसरी जगह मैंने फिर अपना अप्लाई देकर दूसरी जगह अपने काम को कर रहा हूँ। अभी काम कर रहा हूँ, अभी ठीक ठाक हूँ। तो जो मेरे साथ हो चुका है मैं आप लोग को वो शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप लोग ऐसी गलती ना करें। और ड्राइविंग में बहुत रिक्स है दोस्त, अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, मैं तो कहूँगा ड्राइविंग में बिल्कुल मत आए। जो सैलरी ड्राइवर में, वो सैलरी आपको कंपनी में मिलेगा, ऑफिस में मिलेगा, खदामा में मिलेगा, मजरे में मिलेगा, वही सैलरी है, कोई इधर उधर नहीं है। अगर आप पुराने हैं तो वही थोड़ा बहुत कम नीचे ऊपर करके हो जाएगा। तो दोस्त, वीडियो लंबी हो रही है, तो फिर चलते हैं अगली वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।